यह स्थान कोलकाता शहर से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो कि हर जाति हर श्रेणी के लोगों को आकर्षित करती है। देश के हर कोने से किसी भी संस्कृति, व्यवसाय या धर्म से जुड़े लोग यहाँ आते हैं। बैंडिल एक शहर है जो कि हर भेदभाव को दूर कर अपनी उदारता के द्वार को खोल रखा है। लोग यहाँ किसी उद्देश्य के साथ आते हैं, एक उत्सुक आशा जो कि अत्यंत ही प्रत्यक्ष रूप से उनके चेहरे पर परिलक्षित होता है। यह एक पूर्णता की खोज, आध्यात्मिक तसल्ली की खोज है। यह एक ऐसी खोज है जिसके द्वारा लोग दैवी स्पर्श पाते हैं। सैतीस में जब पुर्तगीज एडमिरल संपायो अपनी नौसेना के 9 जहाज लेकर हुगली नदी में बंगाल के शासक सुल्तान मोहम्मद शाह के आमंत्रण करने पर उनकी मदद के लिए आ घुसे, तभी इसकी शुरुआत हुई। इस मदद के बदले में पुर्तगीजों को हुगली जिले में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। 40 साल बाद 1580 में त्रवारिस नामक एक पुर्तगीज कप्तान को खुलेआम ईसाई धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई, साथ ही गिरजा बनाने की अनुमति भी दी गई। 1599 में अगस्तनियन धार्मिक संघ के मठवासियों को मठ बनाने की अनुमति दी गई। The very beautiful history of Bandel that it was a church that was destroyed. बैंडल गिरजा और प्राचीन मुगल साम्राज्य, इन दोनों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किस तरह उन दिनों मिशनरी कामों के जरिए उन पर अत्याचार हुआ, किस तरह सम्राट शाहजहां ने बैंडल गिरजा के लिए 777 बीघा जमीन दी, आर्थिक सहायता भी की। इसके अलावा सबसे बड़ी घटना माता मरिया की मूर्ति हुगली नदी से किस तरह पुनरुद्धार हुआ। इन सब बातों को लेकर एक सुंदर कहानी प्रचलित हो गई है। इन्हीं घटनाओं के केंद्रित कई कई शतकों से लोग ईश्वर की कृपा और आशीष पाने यहाँ आते हैं। And favors there, and I know that in this part of India, many non-Catholic people after marriage go down there for a special blessing from Our Lady. Asgir Bandel Tirtho Khetro hoyeche shudhu Christian noy, sarbo dharmo sarbo manober ek milon. Keu ashen dekhte shudhu darshonarthi hisabe,
কেউ আসেন প্রার্থনা জানাতে, কেউ আসেন নিজের আকুতি প্রাণের বিনতি মা মারিয়ার চরণ তলে অর্পণ করতে। And I've come to fulfill my vows which I have आज हम यहाँ हमारी छोटी बेटी के नाम पर मिन्नत पूरा करने आए हैं। 5 साल पहले बड़ी बेटी के नाम मिन्नत रखकर हमें फल प्राप्त हुआ था। 400 साल पहले जो बीज बोया गया था, आज उसी बीज ने एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया है, जो कि जीवन की यात्रा में थके मादे आफत में पड़े लोगों का आश्रय गृह बन गया है। This isn't the first time I've come to Bandel. I've been here numerous. साल में कई बार हम बैंडल आते हैं। अपनी माँ के पास आकर मेरा मन खुश होता है, मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है, मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया है। I get touched and I get a lot of graces. My life has changed. बैंडल बेसिलिका आशा का प्रतीक है, शांति का गृह और भक्ति का मंदिर है। This church in Bandel is the most ancient church in the whole of northeastern region of India. पूर्वी भारत में बैंडल सबसे प्राचीन गिरजा है। अंग्रेज आने के बहुत पहले 1599 में पुर्तगीज व्यवसायी और मिशनरियों ने इस गिरजा की शुरुआत की। इसी हुगली जिले में ही एक छोटी क्रिस्तीय जन संप्रदाय के कस्बे की भी शुरुआत हुई। इसीलिए कहा जा सकता है कि उत्तरी पूर्वी भारत में बैंडल गिरजा ही प्रथम और मात्र स्थानीय है। Ever since existed here, the Christian faith spread from Bandel. Bandel was the center, the first center, and other centers sprang up later on. And so naturally, we must say that Bandel is the mother church of this northern India. 1599 में बने माता मरिया के रोजरी माला का या मरियम स्मृति स्थल बैंडल का एक उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण स्थान अधिकार कर हर जगह के तीर्थ यात्रियों को आमंत्रित करती है। यह प्राचीन तीर्थ स्थान एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ स्थापित एक उच्च जहाजी मस्तूल 350 साल पुराना है। इस मरिया स्मृति स्थल को शुभ यात्रा की माता मरिया कहलाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। बंगाल की खाड़ी में एक भयंकर जानलेवा तूफान से एक जहाज के बचने पर उस जहाज के कप्तान ने इसे यहाँ दान किया। मरिया भक्तों के लिए मरिया द्वारा रक्षा प्राप्ति का यह एक अद्भुत साक्षी है। जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा एक अभियान। यही कारण है कि हर कप्तान की कामना होती है सुरक्षित शांतिपूर्ण यात्रा। शुभ यात्रा की रानी माता मरिया भक्तों को इसी सुरक्षा और आनंदमय यात्रा का आश्वासन देती है। इसी आश्वासन के भरोसे हर साल हजारों भक्त उनके पास बार बार आते हैं। इनमें किसी को पूर्ण आश्वासन की जरूरत पड़ती है तो कोई उनकी जीवन यात्रा शुभ और सफल होने पर धन्यवाद प्रकट करने आते हैं। हमारे परिवार को लेकर हम आए हैं यहाँ प्रार्थना करने, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम कनाडा जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि यहाँ माँ मरिया के पास प्रार्थना करने पर हमारी यात्रा शुभ होगी। प्राथमिक मेडिकल जांच के बाद हमें लगा था कि यह बीमारी कैंसर है, लेकिन बाद में पता चला कि ये केवल ट्यूमर ही है। यह हमारे लिए एक दैविक कृपा थी, इसलिए हम धन्यवाद देने आए हैं। She will go on helping me in all my troubles. दमदम कैंटोनमेंट से गेस्टन अपना बाड़ी लोग हमारे एक विचार केंद्र सामने डाली आते। बैंडल बसिलिका इन असंख्य भक्तों के दाब को
हर रोज बहन करती है। यह मरियम स्मृति स्थल आज उत्सव, भक्ति और प्रार्थना का केंद्र स्थल बन गया है, जो कि हर भक्त के हृदय को तसल्ली पहुंचाती है। जनप्रिय भक्ति क्रिस्तीय जीवन का एक अंश है। यह भक्ति विश्वास का एक सामूहिक साक्षी है। I would say that all those who have deep faith in God, केवल मात्र जिनमें दृढ़ विश्वास है, वे ही यहाँ आते हैं। किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के लोग यहाँ आ सकते हैं। उनका विश्वास ही उन्हें यहाँ खींच लाता है। मूलत हम यहाँ इन लोगों के आध्यात्मिक प्रयोजन पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। प्रार्थना, आशीष, पवित्र संस्कार, पापों की क्षमा, मिसा, पूजा, इनके द्वारा ही उन्हें आश्वासन प्राप्त होता है। इसके अलावा तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ ध्यान, प्रार्थना और आवास गृह का बंदोबस्त भी है। And the basic amenities, comforts that they need in this center of pilgrimage. यह मरिया तीर्थ स्थान विभिन्न वार्षिक पर्वों के माध्यम से क्रिस्तीय विश्वास और भक्ति को बढ़ावा देती है। 400 साल की यह बसिलिका जो आज हम देखते हैं, यह पहले की गिरजा नहीं है। इसने भी समय गुजारा है, समय ने भी इसे परखा है। 1985 में इसका महासंस्कार किया गया। फादर सीजे सेबास्टियन ने इस संस्कार कार्य की शुरुआत की, जो कि एक साधारण तीर्थस्थान को बसिलिका के स्तर पर लाने की प्रचेष्टा थी। इसके बाद फादर लुइस गोबेटी ने इस काम को पूरी तरह महत्वपूर्ण ढंग से पूरा किया। The title of a basilica is given to those churches which have got some great prominence. 80 शतक के अंतिम में बैंडल गिरजा का बसिलिका का स्तर पर उन्नत करने का प्रस्ताव रखा गया। इस बारे में मुझे कई प्रश्न के उत्तर देने पड़े थे। Bandel to the title of a basilica were, have you got a good church, a beautiful church? Have you got many devotees coming to the church? Is the sacramental life good in that area? And do they have priests who are yelling confessions and saying masses for the public, etc.?
but it was needing repairs all over. The roofs were leaking, the plaster falling, and the whole area was shabby, and the passages were blocked in every. मैंने जब गिरजा संस्कार के काम को शुरू किया तो बहुत किस्म के कामों में ध्यान देना पड़ा, जैसे कि गिरजे का वरांदा, छत, दीवार मरम्मत का काम। अब यहाँ तीर्थ यात्रियों का संख्या और विभिन्नता भी बढ़ गई है, हजारों यहाँ आते हैं। स्थानीय बंगाली से शुरू कर चीनी, संथाली सभी आते हैं, उनका संख्या प्राय 7,000 तक पहुँच जाती है। From Calcutta has got almost 1,000 of them. Then the Santals from villages and parishes all around, they will reach the number of 6,000-7,000. And then there is the walking pilgrimage that will take place in the later on. I mean, the people will arrive from Calcutta walking. That will have at least 3,000-4,000 people. So all together there are quite a number, and then there are those who came loose without any special setup of pilgrimage. They come by themselves, families, so the whole place now is covered with people. I come from St. Joseph's Church, Barrackpore. मैं बैरकपुर सेंट जोसेफ गिरजा से आया। आज यीशु के आत्म प्रकाश का दिन है। आसानसोल कोलकाता से ख्रिस्त भक्त यहाँ आए हैं। बैंडल बेसिलिका ने विभिन्न धर्म और संस्कृति के समन्वय के काम में भी मदद की। आध्यात्मिकता और भक्ति की कोई निर्धारित सीमा नहीं होती, यह सत्य यहीं प्रमाणित हो चुकी है। यह किसी भी संस्कृति या धर्म सीमा के ऊपर है। इस गिरजा की स्थापना जब हुई तब विभिन्न संप्रदाय, विशेषतः हिंदू धर्म के लोग यहाँ आकर प्रार्थना करने लगे, मिन्नत मांगने लगे। होते होते माता मरिया केवल माता मरिया नहीं बन गई उनकी गुरु माँ। यह भी बैंडल गिरजा की एक महिमा है। 2004 में ओडिशा बहरामपुर अस्पताल में जब मेरी पत्नी बीमार पड़ी थी, तब हमने बैंडल की माता मरिया से प्रार्थना की और हमें सफल मिला था। आज हम उन्हें धन्यवाद देने यहाँ आए हैं। इसी कारण हर साल ख्रिस्त भक्तों के साथ साथ दूसरे धर्म के हजारों विश्वासी यहाँ अपने दिल की तसल्ली और आश्वासन प्राप्ति के लिए आते हैं। And when my father was wanting, I mean, my mother asked him to burn candles, and he was a Protestant. मेरे पिता प्रोटेस्टेंट हैं। मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करना उनके पसंद की बात नहीं। एक दिन बैंडल हम घूमने आए। मेरे माँ के कहने पर उन्होंने बत्ती जलाने की कोशिश की और उनका हाथ जल गया। मेरे मौसी के कहने पर उन्होंने झरने के पानी में हाथ डुबोया और उनके जले हुए हाथ को आराम पहुंचा। वे चंगे हो गए। इससे उनके मन में भी विश्वास पैदा हो गया। And while he reached the station, he was surprised to see that his hand was back to normal, nothing, there was no burn marks, nothing. And he was really touched by this. बैंडल की बेसिलिका केवल मात्र भक्ति का पवित्र वेद ही नहीं, बल्कि ऐसा एक मंच है जहां विभिन्न धर्म विश्वासी एक दूसरे के समीप आते हैं। আমার এখানে অনেক ভালো লাগে, আমি এখানে দেখি আমার হেভি শান্তি মনে হয়। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, यहाँ शांति है। तो आज के शनिवार मैं यहाँ हर रविवार आता हूँ। क्यों आमी जानी कल के आमी आस्ते पारबो ना, से जो आमी आज के ही चले आसछी। एक्चुअली मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, तो बहुत अनकॉन्शियस थे। 72 आवर्स का डॉक्टर ने वक्त दे दिया था, बोले थे कि शायद बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो मैंने प्रेयर की थी मदर मैरी को कि अगर बच जाएंगे तो हम यहाँ के कैंडल जला के हम जाएंगे। बेसिकली आई एम अ बुद्धिस्ट, मैं बौद्ध धर्म का हूँ। कभी कभी मैं यहाँ आता हूँ, गिरजा दर्शन करता हूँ, मन खुश होता है और आनंदित।
विश्वासियों की आंखों में हर दृश्य स्वाभाविक घटना ईश्वर की ही देन है, जो कि एक आश्चर्य घटना का ही उद्घाटन करता है। मिरेकल अर्थात अलौकिक काम, इसका अर्थ है ईश्वर अपना सही रूप प्रदर्शन कर समझाते हैं कि उनका कृपा असीम है, वे हमें प्यार करते हैं, हमारे सब कुछ में वे अंशीदार होना चाहते हैं। हमारा मन जब उन्मुक्त होता है तभी हमें उनके इन अलौकिक दैवी कृपा की उपलब्धि होती है। We come specially to pray for them. हम यहाँ स्कूल के बच्चे के लिए माँ के पास प्रार्थना करने आए हैं। हमारे स्कूल के प्रतिष्ठाता ने हमें इस भक्ति की शिक्षा दी है। Every year they bring a garland this is the faith which I have received from my foster mother, who is the founder of our school. She is also here today in spite of an ankle injury. আমি তাপসী সরকার, আমি হালিশহর থেকে এসেছি। আমি একজন হিন্দু, যদিও আমি হিন্দু তথাপি আমি চার্চে এসেছি, কারণ শুধু চার্চ নয়, মন্দির মসজিদ সমস্ত ধার্মিক স্থানগুলো থেকে আমি খুব শান্তি পাই, আমার মনে মানসিক তৃপ্তি আসে। My mother and we used to come here for many years. जब हम छोटे थे हमारी माँ हमें यहाँ लाया करती थी। बचपन से ही हम इस गिरजा के अलौकिक क्षमता के बारे सुनते आए हैं। ईश्वर के पास कृतज्ञता प्रदर्शन करने हम यहाँ आते हैं। 1998 में मेरी माँ का देहांत हो गया। मरने से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति का एक अंश बैंडल गिरजा को दान कर गई। The most important thing I came here for to meet the Lord because प्रभु से मिलने हम यहाँ आते हैं। मैंने सुना है यह एक ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ बहुत सारे अलौकिक काम होते हैं। मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, वे सदा हमारी रक्षा करे, यही मेरी प्रार्थना है। Take part in it and ask the Lord to protect my life. इसी परिप्रेक्षित में बैंडल बेसिलिका हर दिन किसी न किसी आश्चर्यजनक घटना का साक्षी है, लेकिन विज्ञान की क्या व्याख्या हो सकती है? Like many other places of pilgrimage, which are now being frequented, अन्य तीर्थ यात्रियों जैसे यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग आते हैं। आज सब युवक युवतियाँ तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हैं, क्यों? क्योंकि सभी को ईश्वर की खोज है। जीवन संग्राम में वे शुभ निराश है। आजकल ज्ञानी ज्ञानी सभी तीर्थ जाते हैं, बैंडल आते हैं, क्यों? सभी को ईश्वर की खोज है, वे जानना चाहते हैं वे कहाँ हैं। व्याख्या हो ना हो, लेकिन यही सही है कि हजारों ने इसे प्रत्यक्ष किया है। ईश्वर के इन चमत्कारों को प्रत्यक्ष कर इन्होंने विश्वास किया है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए किसी व्याख्या की जरूरत नहीं, और जो नहीं विश्वास करते उनके लिए कोई भी व्याख्या संभव नहीं। गंगा जल की लहरों में हमने तुमको पाया, सूरज की किरणों में देखी तुम्हारे रूप की छाया, तुम्हारे रूप की छाया, हमने तुम्हारी प्रार्थना की जो शम्मा जलाई है, तुमने हमारी रक्षा की मुश्किल जबाई है, ओ माँ कोई मुश्किल जबाई है, ओ बैंडल की मरियम संग हमारे रहो, हमको दिखाओ तुम रास्ता हमें सहारा दो, भटके ना मेरे कदम यीशु को पा जाए हम, हो जाए जीवन हमारा सफल, सफल आज भी और कल, ओ तुम तो हमारी ओ माँ प्यारी, रखो अपने पास हमें, अपने दिल में जगा दे दो, हम अंत जीवन तक करें आराधना तुम्हारी। बैंडल की मरियम, बैंडल की मरियम, थामो हमारा हाथ,
यीशु के राह पे, यीशु के राह पे लेके चलो हमें साथ। बैनल की मरियम, बैनल की मरियम थामो हमारा हाथ। यीशु की राह पे लेके चलो हमें साथ। बैनल की मरियम, बैनल की मरियम थामो हमारा हाथ। यीशु की राह पे लेके चलो हमें साथ, हमें साथ। ओ बैनल की मरियम, बैनल की मरियम थामो हमारा हाथ। ओ या यीशु की राह पे, यीशु की राह पे लेके चलो हमें साथ। बराबरी बरी भी बैनल की मरियम थामो हमारा हाथ। यीशु की राह पे लेके चलो हमें साथ। बैनल की मरियम थामो हमारा हाथ। यीशु की राह पे, यीशु की